अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी हूँ और आज मैं पहुँचा वहाँ सुखो चक के अंदर। सुखो चक के अंदर मैं थोनों एक्सप्लोर कर रहा इतने की कॉमन लाइफ जी है, इतने के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके नाल अपना वक्त गुजारते हैं। ये शहर है जिथे कभी शकरगढ़ शहर तो 3 गुना ज़्यादा आबादी होंगी सी और इतने का कल्चर एंड हैरीटेज इन्ना क रिच सी कि इतने गला मंडी भी सी, इतने ज्वेलर शॉप भी सन और इतने 100 दरवाजे वाला महल भी मौजूद सी कि अज मैं कहांगा कि किस्मत दी की कहांगा कि किस्मत दी जिहड़े खेड़ ने कि जिहड़ी गल मैं कहना वा लोग कखों लख और लखों कख भी होए ते पंजाब दी वंड दे विच ये जिहड़े लोग जिस तरह मुतासर होए ने और साढ़े लोग किन्ने कामे ने, यानी कि उम्र का कोई हिस्सा भी होवे हत्ती करके खाना जांदे ने। और यह देखो ये माँ जी जिन्हां दा नाम है सुगना बीबी और ये अपने हत्ती जिहड़े ने नाले बना रहे ने, नालियां नूं गंढा लांदे ने, उत्थे थोड़ा जिहा एंड दे ते फुम्मण जिहा पाउंदे ने और इन्हां दी उम्र है 70 साल और ये वासी ने सुखो चक दे। और तुसीं देखो कि गल हो रही है हत्ती करके खाण दी कि जिन्हां लोगों नूं हत्ती करके खाण दी या अपने हाथ दी करके खाण दी आदत है वो किसी के उत्ते डिपेंड नहीं करते और टिल लास्ट यानी कि 70 ईयर्स 70 साल एक बहुत वड्डी उम्र हुंदी है और अपनी मंजी ते बह के देखो किडे सुकून दे नाल अपने गुजारे वास्ते कुछ ना कुछ जिहड़े ने हाथी करके इस सूत्र दे नाले। मैं कहांगा कि पाकिस्तान नूं एक बहुत बड़ा शरफ है कि इत्थे दा सूत्र जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच मन्निया जांदा, इत्थे दी कॉटन जिहड़ी है पूरी दुनिया दे विच मन्नी जांदी है, इत्थे दा लट्ठा जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच मन्निया जांदा और इत्थे दे ए जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने इत्थे बन रहियां ने हैंडीक्राफ्ट्स दे विच आ जांदियां ने या दस्तकारी दे विच आ जांदियां ने। ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि लोग छोटियां छोटियां संतां नूं घरां दे विच अपनाई बैठे ने जिहदी वजह नाल अपने रोज़मर्रा दा जिहड़ा गुजारा है वह आसानी नाल हो जांदा। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी और लैके आया सी पंजाबी कल्चर एंड हैरीटेज पिंड सुखोचक लास्ट बाउंड्रीज ऑफ द पाकिस्तान टूवर्ड जम्मू और आखिरी रेलवे स्टेशन चाकमरू सी और उस तो बाद आ जाता सी सुखो चक। सुखा सिंह के नाम के उत्ते 300 साल पहले वसाया गया जिहड़ा शहर सी, पहले पिंड सी, पिंड तो शहर बनिया और शहर तो फिर दोबारा किस्मत दी मैं की कहांगा कि खेड़ है फिर भी है मेरा वास्ता पंजाब। यह तुसी देखते हो कि यह लग रही ने नाले नूं गंढा ये पिंड का कुकड़ कह रहा है, मैं भी इत्थे मौजूद हाँ, एक असील कुकड़ जिहड़ा है ये मेरे अपने वाले इशारे कर रहे हैं। और उस तो बाद है पिछे गोल्ड स्मिथ फैमिली की जड़ी हवेली है ये आज भी मौजूद है और यह तुसी देख सकते हो वही पंजाबी कल्चर जिहड़ा कि साढ़े पंजाब का एक हिस्सा रहा है और आज भी मौजूद है। टाइम हो गया हूँ डंगर बच्छे जड़े ने बाहर ले जान दा रियल पंजाब। तुसी देख रहे हो सुखोचक
मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी। ये उदों हुंदा है जदों एक महल्ले का कुत्ता दूजे महल्ले दे आंदा है ते उन्हें वेख के दूजे कुत्ते का की रिएक्शन हुंदा है कि साढ़े महल क्यों हो। ताजे ताजे पछे हुए गोए मेरा वास्ता पंजाब। मैं दस रहा सी तुहानू कि किस तरीके नाल हत्थीं करके खाना जिहड़ा है वह सौखा नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्हां लोगों नू आर हुंदी है कि अपने हत्थीं सारा कुछ करना है तो मेरा ख्याल है कि टिल एज दे लास्ट हिस्से दे विच भी, उम्र दे आखिरी हिस्से दे विच भी वह लोग अपने हत्थीं ही करके खाते रहे। अलका सिबो हबीबल्ला, हत्थ नाल कर्म करन वाला रब दा दोस्त है। तो असल रब दे दोस्त यह लोग ने जिन्होंने अज तक अपने हत्थी जड़े ने वह कसब किते ने, कम किते ने। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी।